छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिवसीय पारिवारिक प्रवास पर खैरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। वही एग्जिट पोल में 69 सीटों से घटते घटते कांग्रेस 40 से 42 सीटों पर आ गई है। इससे कांग्रेस की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं बीजेपी 15 सीटों से बढ़कर 46 से 48 सीट पर आ गई है। ये रुझान जब मतगणना के बाद देखे जाएंगे तो ये 48 सीटों पर नहीं रुकेगा, बल्कि 52 से 55 सीटें भाजपा के खाते में आ जाएगी। कांग्रेस को इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जो रुझान महिलाओं का, जो रुझान युवकों का मतदान के प्रति हुआ है और जिस प्रकार मतदान का ग्राफ बढ़ा है उन क्षेत्रों में और महिलाएं जिस प्रकार की निकली हैं, तो कहीं ना कहीं भूपेश सरकार के प्रति, भूपेश के प्रति महिलाओं की नाराजगी वोटों में परिवर्तित हुआ है। ये मोदी जी की गारंटी का भी असर है क्या? निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी का, घोषणा पत्र का स्पष्ट असर इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा और 3 तारीख के गिनती में भी ये स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है? निश्चित बात है, राजस्थान में स्पष्ट हो चुका है और मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में। ये नतीजे का विश्लेषण करने के बाद छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस और कांग्रेस के वर्तमान स्थिति में जो गिरावट आई है, 69 सीट से गिरते गिरते 3-4 एग्जिट पोल ने उनको 40 और 42 तक मिनिमम दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है और वो आखिरी 40 और 42 तक जाकर रुक रहा है। दूसरी तरफ तुलनात्मक यदि अध्ययन करें, भारतीय जनता पार्टी की सीट 15 से बढ़ के 48 और 46 तक दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में तेजी के साथ वोटों के परसेंटेज में भी और जो मतदान हुआ है उसका रुझान भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ है। और ये 48-46 तो दिखा रहा है, मगर मुझे लगता है कि जो जहाँ पे टाइट फाइट दिखाया गया है, जहाँ संघर्ष दिखाया गया है, भारतीय जनता पार्टी उन सब आंकड़ों को देखने के बाद, दक्षिण का हो, उत्तर का हो, मध्य क्षेत्र का हो, तीनों का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। और ये पूरे फीडबैक जो हमारे पास है और जो आंकड़े इन लोगों ने भी दिया है उनको मिलाकर यदि समीक्षा करें तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है।